लेकिन इस पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। और मैं हूँ आपके साथ जसलीन कौर। तो इस लाइव में हम आपको दिखाएंगे कि श्रीनगर की अगर बात की जाए तो वीकेंड लॉकडाउन का कितना असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ये कहा गया था कि फ्राइडे रात 8 बजे से लेके मंडे सुबह 7 बजे तक तमाम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में वीकेंड लॉकडाउन को नाफिज किया जाएगा। अब हमने कल रात को भी बताया था कि कितनी मूवमेंट देखने को मिली थी। वीकेंड लॉकडाउन लगने के बाद ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने घरों में ही जो है बैठ रहे हैं, कोई बिना किसी रीजन के घर से बाहर नहीं निकल रहा है। पर जिस तरह से ये भी कहा गया था कि असेंशियल सर्विसेज को अलाउ किया जाएगा, तो वो तमाम शॉप्स आपको खुली नजर आएंगी। मूवमेंट इस वक्त हम आपको सीधा श्रीनगर से लाइव दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हालांकि जितने आम दिनों में जो है ट्रैफिक रहता है उतना आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, और अगर दुकानें भी देखेंगे तो तमाम दुकानों के शेल्टर आपको बंद ही नज़र आएंगे, एक्सेप्ट कि हम मेडिकल शॉप्स की बात करें या कुछ एसेंशियल सर्विसेज की बात करें, तो बाकी तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर बंद ही नज़र आएंगी आप देखेंगे। और मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बाकी दिनों के मुकाबले अगर हम बात करें तो काफ़ी कम जो है वो नज़र आएंगी आप देखेंगे। सड़कें किस तरह से साफ तौर पर आपको खाली ही नज़र आएंगी। बिल्कुल, अगर वीकेंड लॉकडाउन की हम बात करें तो मूवमेंट बहुत ही कम नज़र आ रही है, बहुत कम लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। और अगर हम स्ट्रिक्टनेस की बात करें तो स्ट्रिक्टनेस आप देख सकते हैं कि रास्ते में इम्प्लीमेंट करने के लिए कितनी कोशिशें की जा रही हैं, और पूछा जा रहा है कि अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो आप क्यों निकले हैं। और वहीं पर अगर बात करें हम अलग अलग आपके एरिया पे वीकेंड लॉकडाउन को कितना असर देखने को मिल रहा है वो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस वक्त श्रीनगर एरिया से हम आपको बता रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन का कितना असर है। पर आपके एरिया में कितनी मूवमेंट देखी जा रही है, कितना रश देखा जा रहा है, क्या वहां पर शॉप्स खोली गई हैं असेंशियल सर्विसेज के अलावा आपको कुछ और वहां देखने को मिल रहा है, तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं इस टाइम हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, तसदुक हुसैन है, समीर भट्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही जिस तरह से इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले। बिल्कुल प्रियंका, बहुत सारे व्यूज हमारे साथ हैं, इमरान वानी हमारे साथ हैं, ग्रेट लिख रहे हैं। आप देखिए कि दुकानें आपके यहाँ बंद नजर आएंगी, शेल्टर्स सब इस वक्त बंद है, इक्का दुक्का दुकानें जो एसेंशियल सर्विसेज की हैं वही ओपन नजर आएंगी। और सड़कें भी आप देखिए कि बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ इक्का दुक्का गाड़ियाँ या कुछ ही गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी मैक्सिमम। आप देखिए कि शेल्टर्स भी बंद हैं, और बहुत सारे व्यूज हमारे साथ हैं। आदिल भट्ट हमारे साथ हैं, एयरपोर्ट रोड की बात करें तो बिल्कुल। शबीर भट्ट हमारे साथ हैं, और इरफान अली हमारे साथ हैं, कश्मीर के साथ हैं, और तमाम व्यूज जो गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं आप सभी को भी प्रियंका और जसलीन की तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। और नसरुद्दीन शाह हमारे साथ हैं, आदिल भट्ट हैं, और बख्शी शबीर हमारे साथ हैं, हाय हेलो लिख रहे हैं आपको भी हमारी ओर से, नमस्कार हेलो अस्सलाम वालेकुम। और भी व्यूअर्स हैं, शबीर भट्ट हमारे साथ हैं, तो तमाम सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से हाय हेलो। तो जिस तरह से मी रूफ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम चाहेंगे कमेंट में आप बताइएगा कि आपके एरिया में वीकेंड लॉकडाउन का कितना असर देखने को मिल रहा है। और फाजिल इरशाद कश्मीरी हमें साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो लिख रहे हैं मैम ये कौन सी जगह है, तो आपको बता दे कि श्रीनगर से हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट रोड जो है वहां से हम आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितना असर देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ असेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको चीज़ें खुली नजर आएंगी, बाकी सब कुछ सारी मार्केट आपको बंद नजर आएगी। व्हीकुलर मूवमेंट अगर हम बात करें, चाहे 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, वो भी बहुत कम तादाद में आपको खुला हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो बिल्कुल, इरफान अली हमारे साथ हैं, मीर ताहिर हमारे साथ हैं, जो ये कौन सी जगह, तो इसी लाइव के साथ हमें दीजिए इजाजत, और बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।